अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। खाना खजाना हैदराबादी यूट्यूब चैनल पे आपका इस्तकबाल है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये बहुत ही आसानी से बन जाती हैं और इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए हमें चाहिए 3 आलू लिया है हमने, इसे ऐसे कट कर लें। नमक हसबे ज़ायका, लहसुन का पाउडर 1/2 टीस्पून, चिल्ली फ्लेक्स 1 टीस्पून, मैदा 1/2 कप, 2 अंडे। सबसे पहले हम इसमें चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। लहसुन का पाउडर, और 2 अंडे, और इसे मिक्स कर लें। अब हम इसमें मैदा ऐड करेंगे। ये देखिए नाज़रीन, हमने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। ये देखिए नाज़रीन, हमने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए दिया था, तेल गरम हो चुका है। ये देखिए नाज़रीन, ये फ्राई हो चुके हैं। अगर आपको और ज़्यादा क्रिस्पी होना है तो और थोड़ी देर फ्राई करें। ये देखिए नाज़रीन, फ्रेंच फ्राइज को हमने डिश आउट किया है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और अपना एक्सपीरियंस कमेंट में मेंशन करें। खाना खजाना हैदराबादी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।